बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना, आप देख रहे हैं सना की रसोई की दुनिया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन आलू की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी ताहरी की रेसिपी, और इसके साथ हम बनाएंगे चटपटी सी चटनी। तो वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया। इसे हमने दो बड़े वाले चम्मच जो होते हैं ना सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज लंबे में कट करके, और इसमें कुछ खड़ा मसाला जाएगा जैसे कि 2-3 तेज़पत्ते, आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्ची लिया है, और एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची, और 4 से 5 मैंने लौंगी ली हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तेल की मैंने जो क्वांटिटी है कम रखी, आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो सारे अच्छे से मसाले जो हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, जब ये सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तेल के अंदर, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गोश्त। गोश्त को हमने अच्छे से धो के अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, फिर इसके अंदर हम गोश्त को ऐड कर देंगे। ये हमारा मटन का गोश्त है, आप चाहो तो बीफ या चिकन में ये बना सकते हो। तो सारे गोश्त को भी ना अच्छे से ना हम भून लेंगे तेल के साथ, और ये जो हमने प्याज मसाला डाला है खड़ा, इसके साथ कम से कम 2 से 3 मिनट ना गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे फ्रेंड। एक बार प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है पर खाने में ना बहुत ही टेस्टी है। मेरी तो ये फेवरेट है ये ताहरी की रेसिपी। जब ये 5 से 6 मिनट अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ पिसे हुए मसाले। मसालों में जाएगा लाल मिर्ची 1 चम्मच, और 2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर पिसा हुआ, और 1 चम्मच से ज़्यादा मतलब 1.5 चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर। हल्दी की क्वांटिटी जो होती है ना तायरी में ज़्यादा जाती है फ्रेंड। और नमक डाल देंगे इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक मिर्ची अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड आप लोग कर सकते हो। और इसके अंदर मैंने 1/2 चम्मच डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच छोटे वाले चाय वाला अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। और इन सारे मसालों को ना 5 से 6 मिनट ना अच्छे से हम भून लेंगे, जिसकी कच्ची स्मेल है वो भी गोश्त की भी चली जाएगी, और जो हमने कच्चे मसाले डाले हैं ना उसकी स्मेल भी सब निकल जाएगी। गोश्त का भूनना बहुत ज़रूरी होता है और मसाला भी। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के फिर से भूनेंगे, और इसके अंदर हम पानी डाल के ना 3 से 4 हम इसके अंदर विसिल ले लेंगे फ्रेंड्स। और नमक को आप इस जगह चेक कर सकते हो ज़्यादा है या कम है। तो मैं छोटा वाला 1 गिलास पानी डाल देती हूँ, और इसके अंदर मैं 3 से 4 ना विसिल ले लूँगी, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं इसके अंदर सीटी लगा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा गला है या नहीं गला है। तो देखिए मैंने प्रेशर इसका खोल लिया है, और गोश्त जो है ना हमारा आधे से ज़्यादा गल चुका है। इसकी हम भुनाई कर लेंगे, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 आलू, वो मैंने गोल में कट कर लिया था फ्रेंड्स। ये इसकी आपकी मर्ज़ी है, आप आलू डालना चाहो तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बना लेते हैं चटनी। चटनी के लिए मैंने लिया है हरी मिर्ची, हरा धनिया और लहसुन, और थोड़ा नमक डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो अपने गोश्त को भी देख लेते हैं। तो गोश्त को ना भुनते हुए 5 मिनट हो गए, हमने आलू जो आपके सामने डाला था ना 5 से 10 मिनट हो गए, अच्छे से हमारा गोश्त जो है अच्छे से भुन चुका है। इधर मैंने चावलों में ना 1/2 कप मैंने उड़द की दाल डाली थी, छिलके वाली जो दाल होती है ना, ये डाल के मैं बनाती हूँ तायरी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी डाल के ज़रूर बनाइएगा। तो हमने इसे 20 मिनट ना चावलों को अच्छे से भिगो दिया था, और इसको हम पानी डाल देंगे हम 1.5 गिलास। पहले हम इसे खोल के पकाएंगे, बाद में इसमें हम विसिल लेंगे। तो नमक इस जगह आप चेक कर लीजिएगा नमक कैसा है, क्योंकि पानी डालने के बाद नमक थोड़ा कम हो जाता है, आप नमक टेस्ट कर लें। और फिर नमक कम हो, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक ना इसके अंदर और ऐड किया था, तो थोड़ा सा नमक और डाल दिया मैंने। और पानी डाल देंगे, जब इसमें एक घोल आ जाएगा मतलब एक बॉयल आ जाएगा चावलों में, तो फिर मैं इसमें विसिल लगा दूँगी। तो देखिए पानी जो है ना काफ़ी खुशक हो चुका है इसके अंदर, अब इसके अंदर हम लगा देंगे 2 विसिल लगा देंगे, और बाकी इसके ना प्रेशर में छोड़ देंगे। तो फ्रेंड देखिए मैं इसमें विसिल लगा देती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 1 सीटी ली, फिर इसके बाद 2 सीटी ले लेती, और बाकी मैंने इसके प्रेशर में छोड़ दिया था चावलों को। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सही हमारे चावल बने हैं। तो देखिए इसका प्रेशर जो है पूरा निकल चुका है, और आप देख सकते हैं मेरे चावल जो है ना बिल्कुल सही बने, खिले खिले बने हैं चावल। तो बस जल्दी से इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा, आ गया ना मुँह में पानी। तो बस इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म अपनी आलू मटन ताहरी को, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ मेरे इस तरीके से बना के देखिएगा। अगर आपको कभी कुछ समझ में नहीं आता ना, तो आप बिना गोश्त के भी ये वाली ताहरी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। आप इसे दही के रायते के साथ या सलाद के साथ, और जो मैंने आपको चटनी दिखाई इसके साथ खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
तो फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन तहरी बनके तैयार हुई है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।